डेट बोले। 27 अप्रैल 1985 नाइनटीन जी, 1985, टाइम 10:21 AM मॉर्निंग। जी मैम। प्लेस प्लेस है मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर के स्पेलिंग बताएंगे। MUZA FFARPUR, MOZA MUZA मैम, MUZA, MUZA FFARPUR बिहार ना। जी हाँ जी जी ओके। चले अच्छा एक चीज गौरव जी, इस जी कुंडली के मुताबिक आपके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि नहीं है। नहीं मैम ठीक है, जी इस कुंडली के मुताबिक आपका शनि छठे घर में है। ठीक है, जी और वो आठवीं राशि में है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का नहीं, ये ज्येष्ठा से निकल चुका था, तो ये जो है ये गुरु के नक्षत्र में आ गया है, तो अगले नक्षत्र में चला गया। ठीक है, तो ये आपके स्कॉर्पियो में जो शनि है वो भी वहां से मंगल की उससे छूट चुका है। तो एक चीज तो मैं आप, ये तो जाहिर सी बात है कि आप अपने स्कूल के टाइम में जी अपनी बड़ों को भी पढ़ाने बैठ जाते थे, मतलब आपके पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें, सामने वाला हाथ जोड़ देता है कि प्लीज आप थोड़ा चुप रह के बैठिए। जी मैम ठीक है, जी आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा जो है वो शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो ये भी आपका पुनर्वसु का ये रहा होगा चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा आपका गुरु का है तो वहां से भी ये और शनि भी यही, तो आपने आपके साथ जो चीजें होती हैं, अब आप देखो क्या प्रॉमिस लेकर आए हो, आप अपने साथ प्रॉमिस लेके आए हो सातवां घर, दूसरा घर, साथ में आप जो लेकर आए हो दसवां घर, यानी आपका दिमाग मतलब बचपन से ही कुछ ना कुछ करने का रहा है, प्लस जी आपने बहुत जगहों पे अपने को ट्राई किया है जी लेकिन कुछ भी हासिल होना आपके लिए नहीं हो पाया अभी तक, जी मैम, स्ट्रगल ही कर रहा हूँ जी स्ट्रगल ही कर रहे हो। जी मैम दूसरी चीज, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज आपने चीजों को गलत तरीके से किया। आप कोशिश करते रहे कि आप कोई प्रोफेशन लाइक यू नो हाई प्रोफेशन में चले जाओ, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। उसके लिए आपका जो गुरु है, उस गुरु को अगर आप पकड़ के चलोगे, यानी वो जो गुरु को आपने पकड़ लिया, गुरु से रिलेटेड चीजें आपने कर ली, जैसे कि आप पब्लिकेशन हाउस में घुस गए, या आप कोई बुक से रिलेटेड कोई काम करना शुरू हो गए, या आप जो है टीचिंग में निकल गए, तो आपको अपने आप चीजें, आपकी जो चंद्रमा है, जो दूसरे घर में चंद्रमा प्लेस है, जो कि दिख रहा है दूसरे घर का, लेकिन जी वो पीछे सरक के आपके मिथुन, क्या मतलब ये जो कस्प है ना, ये कस्प का जो स्पैन है, यही पे एक चीज हमें बता जाता है कि भाई जो जी कस्प का जो स्पैन है उसमें कहाँ पे किस दायरे में ग्रह बैठा था। अब वो जिस जी दायरे में ग्रह आ गया वो उसी के रिजल्ट देगा, और अगर आपकी इस कुंडली से हम देखें तो दूसरे घर का चंद्रमा, तो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए जी जो नहीं है। लेकिन जो नहीं है जी और दूसरी चीज कि आप मन के बहुत कमजोर इंसान हो, जी और सामने सातवें घर में गुरु बैठे, आपको पाठ पूजा में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। चंद्रमा जो है, गुरु जो है, वो खुद धनु राशि के बैठ गए आके, नीचे के चार्ट में अगर आप ध्यान दोगे, और गुरु जो है वो चंद्रमा, यानी यहाँ पे एक दूसरे का हाउस नक्षत्र भी बदले गए हैं, तो जब नक्षत्र बदले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रधान हमारा रहता है, आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं, हम बहुत मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, हम लोगों को मेटीरियल्स जब तक हमारे आसपास की चीजें नहीं मिलती हम बहुत जी ज्यादा दुखी रहते हैं, तो जी इसीलिए इस समय जो हम लोग जो हैं, हमारी चंद्रमा प्रधान कुंडली है, जी जब चंद्रमा प्रधान कुंडली है तो हमें चंद्रमा को ही पढ़ना पड़ेगा और चंद्रमा को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप गुरु को दान करेंगे या गुरु का ही कुछ काम करेंगे, तो आपकी ये कुंडली अपने आप आपको जो है आगे लेके
निकल जाएगी। अच्छा, अगर हम मैं इसमें आपको इसमें अगर हम प्रोग्रेशन चार्ट देखें, जैसे कि जी आपने कहा कि आपको टाइम की कंफ्यूजन है, ठीक है। जी अब जी यहाँ पे देखो कि आपका चंद्रमा 1 डिग्री 18 का उसमें था, और चंद्रमा अपने ही राशि का था और गुरु के नक्षत्र में था। जी इस समय अगर हम आपका प्रोग्रेशन चार्ट देखें, एक्सक्यूज मी मैडम, जी मैडम ऐसा है, ऐसे कुछ पता नहीं चलता। पहले आप हमको थोड़ा सा समझा देते तो फिर ऐसे किसी सर, वो की जो क्वेरी लेते तो फिर ज्यादा बढ़िया था। तो मैं सिर्फ ऐसे आज आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ये क्लास नहीं है, ये खाली मैडम क्लास वेबिनार तो नहीं है। है, पर फिर भी थोड़ा सा जिसमें बेसिक जा हो जाता है, नॉलेज हाँ, मिलती है बेसिक जैसे मैं आपको हमको। अभी ये फिनिश करने के बाद सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ, उसके बाद मैं बेसिक दिखा दूंगी आपको। हम ऐसे तो कुछ नहीं पता चलता जी। हाँ, अगर आपको वैदिक आती है, थोड़ी थोड़ी आती मैडम, ज्यादा नहीं। हाँ, तो अभी जो है मैं आपको बेसिक बता दूंगी। चंद्रमा देखो आपका कर्क राशि का था 1 उसमें, अभी वो देखें इस समय लियो में है और वो जस्ट वहां से नेक्स्ट उसमें निकला है। और आपकी उम्र कितनी है इस समय? मैडम 38 क्रॉस हो चुकी है मैम, 39, 38, 30। यस मैम, 39। यस मैम। हाँ, तो यानी कि ये वाली कुंडली आपकी आगे और पीछे का, या तो वो 21 का नहीं है आपका बर्थ, उससे पीछे का है, अच्छा यानी प्रोग्रेशन चार्ट यहाँ पे डिनाई करता है। वो क्या थ्योरी है, वो जब हम क्लास में आएंगे जी तो मैम, उसको हम बताएंगे। अभी जैसा कि किसी ने कहा कि आपका बेसिक, मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो है वो ऐसा है कि यहाँ पे दो चार्ट दिख रहे होंगे, एक राशि चार्ट होता है हमारा जिसको हम लगन कहते हैं वैदिक में, और एक भाव चार्ट होता है जो केपी का चार्ट माना जाता है। राशि चार्ट जो है वो इक्वल सिस्टम पे डिवाइडेड होता है कि 30-30 डिग्री की एक एक घर होता है जिसके अंदर आपका प्लैनेट बैठता है। केपी सिस्टम जो है वो प्लेसिडस सिस्टम पे रहता है, वो ये बताता है कि भाई जो उसको कस्प को वो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और उसका पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, कि आपका ग्रह कौन से मध्य भाग में आया है, लास्ट में आया है, उस हिसाब से वो ग्रह की पोजीशन करते हैं, सिंपल सी उसमें। और प्लस हर नक्षत्र जो रहता है उसके अंदर 4 चरण रहते हैं और राशि आती है। उस नक्षत्र का जो लॉर्ड रहता है जिसको हम प्लैनेट कहते हैं, वही जो लॉर्ड, जो प्लैनेट रहेगा, वो आपके इस चार्ट में बैठे हुए प्लैनेट को जो रूल करेगा। देखें, अभी आप ये समझे कि प्लैनेट एक सोर्स है, नक्षत्र जो है वो उसका पूरा गवर्न कर रहा है उसको। आप किसी के घर जाते हो, तो जब आप किसी के घर जाते हो तो वो आप उसके घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, आप अपनी मर्जी नहीं चलाते वहां जाके, क्योंकि वो आपका घर नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे चार्ट में 12 घरों में जो जो प्लेनेट बैठा है वो किसी के घर गया है, और वो जिसके घर गया है उस वो जिसके घर गया है वो नक्षत्र लॉर्ड हो गया। वो जो नक्षत्र लॉर्ड है वो ही उसको कमांड देगा कि भाई तू ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तेरे जरिए मैं ये रिजल्ट दूंगा। तो इसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी मानते हैं। अब उसके आगे जो सब लॉर्ड होता है वो फर्दर डिवीजन में आता है, और ये डिवीजन क्यों उनको करनी पड़ी, उसका एक रीजन है कि दो ट्विन बच्चे एक ही समय पर जब पैदा हुए उनके लगन चार्ट तो सेम हो गए, लेकिन जो सब लॉर्ड है वो उनका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कम से कम 8 मिनट तक चेंज नहीं होता, सब लॉर्ड जो है उसका 3 से 6 मिनट में शिफ्ट हो जाता है। तो यानी वो जो कभी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमने कहा कि बच्चा आपका जो प्रेसिडेंस सिस्टम है उसमें जो 3 भाग बटे, उसमें फर्स्ट भाग, सेकंड भाग एंड थर्ड भाग, जो मध्य बिगिन का, मध्य का और लास्ट का भाग, उसमें ग्रह कहाँ बैठा जाके उस ग्रह को पकड़ के उसका नक्षत्र और उसका सब लॉर्ड आगे जाएगा। यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो 2 से 3 मिनट में ही दूसरा आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर पैदा हुई, तो वो जो बच्चे की किस्मत है वो बिल्कुल पहले बच्चे से अलग हो गई। तो उस हिसाब से इसलिए उनको ये डिविजन्स देनी पड़ी कि भाई जब नक्षत्र बढ़ता है आगे
नक्षत्र के आगे और 9 भाग किए गए तो उनको पता चला कि भाई हर बच्चे की किस्मत अलग-अलग होती है।